अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि हम अपने फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं, फिज़िक्स की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो ये देखिए, आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ही अहम टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिज़िक्स के अंदर। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, आपको मैं एग्जाम्पल देख देता हूँ। जब भी कोई भी आप लोग देखा होगा, आप अगर धूप पे ठहरे होते हैं, सन की लाइट के ऊपर अगर आप मिरर ले लें, तो लाइट की जो है ना क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है। ठीक इसी तरह अगर आप देखें, कोई भी लाइट किसी शफाफ चीज़ से जब टकराती है तो, या फिर वो रिफ्लेक्शन होती है। पानी के अंदर भी आप देखें, जब सन की लाइट पड़ रही होती है, उसका भी क्या हो रही होती है, रिफ्लेक्शन हो रही होती है। जब वो लाइट जो है, देखिए ये आपको मैं ये नहीं बताऊंगा आपको थ्योरी, तो मैं आपको फिग से ही समझा देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आप कंसेप्ट को तैयार किया करें। देखिए रेज, देखिए ये हमारा रिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट आर, ये देखें इंसिडेंट रे आती है। ठीक है, ये हमारे पास एक मिरर है जिसको हम शीशा कहते हैं। ठीक है, लाइट यहाँ से आती है, इंसिडेंट लाइट, फिर आने के बाद देखिए टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये देखें आप, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में भी है कि एंगल ऑफ जो इंसिडेंट है आई, ये एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। एक लॉ ये, एक पॉइंट इसका ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये कि नॉर्मल का जो है ये 90 का एंगल बन रहा होता है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ले देख लीजिएगा कि ये देखें डायग्राम बनी हुई है, मिरर है, इंसिडेंट रेज आती है रिफ्लेक्शन के बाद, फिर वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। देखें, व्हेन लाइट ट्रैवल इन द सर्टेन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस, जब सरफेस के ऊपर टकराती है तो अ पार्ट ऑफ द टर्न बैक इन टू द सेम मीडियम, फिर इसी मीडियम से, फिर उसी मीडियम में जैसे ही आती है, फिर टकराने के बाद फिर वापस आ जाती है, मतलब उसी मीडियम के ऊपर। तो इनको हम क्या कहते हैं, ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है। अब मैंने अभी आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में बताया था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कौन से होते हैं। देखिए ये दो लॉज हैं, एक है कि इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल द लाई द सेम पॉइंट। देखिए ये जो एक ही पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट रेज इसी पॉइंट पे, रिफ्लेक्शन भी इसी पॉइंट, और नॉर्मल जो एन है ये भी एक ही पॉइंट, यानी तीनों एक पॉइंट के ऊपर है, तो ये एक लॉ हो गया। दूसरा लॉ क्या है जी, देखें हमारे पास द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैंने आपको कहा था कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये देखें आई, ये वाला और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो, ये दोनों क्या होते हैं मेरे पास, इक्वल होते हैं। तो पॉइंट ऑफ, इसको इंसिडेंट भी बोला जाता है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होती है, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, एक रेगुलर सरफेस, एक अरेगुलर। अगर कोई स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर अगर कोई रे टकराती है तो इसको रेगुलर सरफेस कहा जाता है। अगर वो स्मूथ नहीं है, अरेगुलर है, मतलब खुरदरी भी इसको कह सकते हैं, तो ये अरेगुलर सरफेस कहलाती है। देखिए मैं आपको ये बल्कि पढ़ के दिखाता हूँ। नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन डिपेंड ऑन द स्मूथ ऑफ द सरफेस, फॉर एग्जांपल स्मूथ सरफेस सिल्वर रिफ्लेक्ट रे आर द लाइट इन द डायरेक्शन ऑफ ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ दी स्मूथ सरफेस इज द रेगुलर रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन आ जाए तो देखें, जैसे ये स्मूथ सरफेस है, जैसे इंसिडेंट रेज आती है रिफ्लेक्ट हो रही है, ये इसको स्मूथ कहा जाता है। आगे देखें हमारे पास मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट एवरी वर्ड ऑफ द स्मूथ माइक्रो लेवल द रफ सरफेस क्या होती है, ऑफ दी सब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द रेज लाइट मैनी डायरेक्शन, सच टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड अरेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाते हैं। ये देखिए ये अरेगुलर रफ सरफेस भी कहा जाता है इसको। देखें जैसे ही आती है कुछ ऊपर चली, देखें रफ जब सरफेस है कुछ ऊपर चली जाएगी, कुछ देखें डायरेक्शन भी चेंज है। डायग्राम से आपको लग रहा है कि ये देखें ये हमारा अरेगुलर सरफेस है, ये रेगुलर, इसको स्मूथ सरफेस कहते हैं, इसको रफ सरफेस कहते हैं। तो ये हमारे पास जो टॉपिक है, देखें रफ सरफेस में रेज रैंडमली मूव कर रही है, मतलब रैंडमली इधर भी रिफ्लेक्शन है, देखें इधर भी है, क्योंकि जो हमारे पास इनकी सतह है, सरफेस है, वो रफ है, मतलब खुरदरी है। अब समूथ के अंदर क्या है, देखिए बिल्कुल प्लेन है, जैसी आती हैं आने के बाद फिर चली जाती हैं, फिर आती हैं फिर चली जाती हैं, तो ये हमारे पास कौन सी है, या समूथ है।